हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम है वैभव, मैं अंडरडॉग स्टूडियो LLP का फाउंडर हूँ। हम गेम्स बनाते हैं इंडिया में। कुछ सवाल थे जिनके जवाब मुझे देने थे मेरे इंस्टाग्राम के DM पे, यूट्यूब चैनल के बहुत सारे वीडियोस के नीचे कमेंट्स में। ऐसे कई सारे सवाल पूछे जो सैलरीज से रिलेटेड है। लोगों को गेम डेवलपमेंट में करियर करने से पहले कन्फ्यूजन है कि क्या इस फील्ड में इनफ सैलरीज मिल रही है, क्या हम इनफ पैसे कमा सकते हैं, क्या इस फील्ड में जो सैलरीज मिल रही है वो IT फील्ड में जो जॉब करने पे जो मिलती है उसके ज़रा से भी करीब है या फिर ज़्यादा है या कम है, पता नहीं है उन लोगों को। और इसी वजह से बहुत लोग इस कन्फ्यूजन में है कि इसमें करियर करें या ना करें। सो वीडियो को पूरा देखिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे जितनी डिटेल्स दे सकता हूँ वो मैं दूंगा आपको। असली नंबर्स बताऊँगा, सैलरीज के फिगर्स बताऊँगा कि लोगों को इंडस्ट्री में एग्जैक्टली क्या मिल रहा है। सो सैलरीज पे जंप करने से पहले ये जान लेते हैं कि इंडिया में ब्रॉड कैटेगरीज क्या है जिसमें आप करियर कर सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे छोटे छोटे सब डिविजन्स होते हैं, करियर के फील्ड्स होते हैं। जैसे गेम डिज़ाइनर, एक जो प्रॉपर गेम डिज़ाइनर होता है उसमें भी चार तरीके के प्रोफाइल्स होते हैं जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। पर इंडिया में ये जो गेमिंग फील्ड है जिसमें गेम्स बनते हैं, मैं खेलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गेम्स बनाने की बात कर रहा हूँ, इस फील्ड में ब्रॉडली सिर्फ चार ही फील्ड्स है, चार डोमेन्स हैं। पहला है गेम आर्ट, दूसरा है गेम डिज़ाइन, तीसरा है गेम प्रोग्रामिंग और चौथा है गेम टेस्टिंग। अगर आपको करियर करना है तो आप इन्हीं चारों में से किसी एक डोमेन को चूज करके इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो। जब भी एक कंपनी कुछ पोजीशंस ओपन करती है अपनी कंपनी में हायरिंग के लिए, तो उस पोजीशन पे मिलने वाली जो सैलरी होती है वो ऑब्वियसली प्राइमरीली जो कैंडिडेट होता है उसके स्किल पे बेस्ड करती है। बट उसके साथ जो कंपनी की वैल्यू है या फिर कंपनी की स्ट्रेंथ है, कंपनी की जो कैटेगरी है या ये कंपनी बड़ी है या छोटी है, उस हिसाब से भी डिपेंड करती है। आइए जानते हैं कि इंडिया में कैटेगरीज ऑफ कंपनीज कैसे काम करते हैं। ब्रॉडली इंडिया में दो ही तरीके के कंपनीज है, एक मिड लेवल और एक बिग लेवल। स्मॉल लेवल की मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट स्टूडियोज़ है, एक दो तीन लोगों के जो स्टूडियोज़ होते हैं जो रन करते हैं एज अ फ्रीलांसर्स, वो है। पर जो मिड लेवल और बड़े लेवल की जो कंपनीज है इनमें मेजर डिफरेंस इसके साइज़ की है और एक ब्रांड वैल्यू की है। मिड लेवल कंपनीज आप मान सकते हो 5 से लेके 15 लोगों की जो छोटी टीम होती है उसे आप मिड स्केल कंपनी बोल सकते हो। जो बिग कंपनीज है जैसे जो RMG कंपनीज है इंडिया में जो बहुत बहुत बेटर लेवल पे कर रही है अभी, कार्ड गेमिंग कंपनीज है, कंपनीज है जो IPO लेवल तक भी पहुंच चुकी है, ये बड़ी कंपनीज है जिनमें 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो अगर एक मिड लेवल कंपनी ने पोजीशंस ओपन की है वर्सेस एक बड़े लेवल के कंपनी ने पोजीशन ओपन की है, तो उन दोनों में सैलरीज का डिफरेंस कंपनी के स्ट्रेंथ के हिसाब से भी चेंज होगा। एंट्री लेवल की अगर हम बात करें तो सबसे बेटर तरीका जो इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए अवेलेबल है वो है इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स इजी इसलिए है बिकॉज बहुत सारे स्टूडियोज को बहुत सारे इंटर्न्स की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे इंडिया में स्पेसिफिकली दो तरीकों में इंटर्नशिप्स काम कर रही है फिलहाल, एक है पेड और दूसरी है अनपेड। मैं खुद रेकमेंड करूँगा कि अगर आप इंटर्नशिप की तरफ इंक्लाइंड हो तो आप ये मत सोचो कि आप पेड पोजीशन ले रहे हो या फिर एक अनपेड पोजीशन ले रहे हो, बिकॉज इंटर्नशिप बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है, 2 या 3 महीने। आप उस 2-3 महीने में अगर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो उस कंपनी में विदाउट इवन गेटिंग पेड, तो आपको वो ऑप्शन लेना चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको एंट्री पॉइंट जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है। उसके बाद एक बार आप फुल टाइम हो जाते हो, एक बार आपके रेज्यूमे पे एक्सपीरियंस लग जाता है, तब आप बहुत फास्ट ग्रो करोगे इस इंडस्ट्री में। ऑलमोस्ट एवरी कंपनी इन इंडिया इज़ राइट नाउ ऑफरिंग अनपेड इंटर्नशिप्स, लेकिन ऐसे ही कुछ कंपनीज है जो पेड इंटर्नशिप्स भी ऑफर करती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी नहीं है जो पेड इंटर्नशिप्स देती नहीं है, काफ़ी अच्छी कंपनीज है, छोटी कंपनीज भी है जो ये देती है। बट जो स्टाइपेंड या फिर पेमेंट जो इंटर्न को मिलता है दैट कुड बी समवेयर अराउंड 5,000 to 10,000, उसके ऊपर हार्डली कोई 15,000 तक जा सकता है, लेकिन इंटर्नशिप में आप इसके
ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस इंडस्ट्री में. बट लाइक आई सेड, द होल पॉइंट ऑफ इंटर्नशिप इज टू लर्न एंड नॉट टू अर्न. तो आपको जितना भी टाइम किसी कंपनी में लाइव सिनारियो में काम करने के लिए मिल रहा है, उसे आप उस अपॉर्चुनिटी को आप डेफिनेटली ग्रैब करो, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है इतनी ईजिली. एक सिंपल एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि अगर आप फुल टाइम किसी एक कंपनी में अप्लाई करते हो और मान लो आपके रिज्यूमे पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है कहीं पे भी काम करने का, तो आपको चांसेस ऑफ यू गेटिंग हायर्ड इन दैट कंपनी आर वेरी लेस, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और वो कंपनी भी आपको एज अ फुल टाइम लेने की रिस्क नहीं ले सकती. ज्यादातर कंपनीज इसको अवॉइड करती है. इन अनदर केस, अगर आप इंटर्नशिप का जो भी आपका एक्सपीरियंस हो 2 या 3 महीने का, वो भी काफी ज्यादा है, अगर आप रिज्यूमे पे वो डालो, तो वो मैटर नहीं करता कि वो पेड थी या अनपेड थी, बट एटलीस्ट आपके रिज्यूमे में वो एक्सपीरियंस दिखता है कि आपने लोगों के साथ काम किया है. वही एक्सपीरियंस लेके आप वही सेम कंपनी में अगर आप अभी फुल टाइम अप्लाई करो, प्रोबेबिलिटी हायर होने की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. तो अगेन समराइज करूंगा, इंटर्नशिप्स पेड या फिर अनपेड, अगर आप पेड कर रहे हो तो इसकी रेंज 5,000 से 10,000 तक ही जाएगी, अगर आप लकी हो तो शायद 15,000 तक आपको इंटर्नशिप के लिए स्टाइपेंड मिल सकता है. चलिए बात करते हैं फ्रेशर की, फुल टाइम गेम डेवलपर बनने की. अगर आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो या फिर इंटर्नशिप करने के बाद आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है और अभी आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो अगेन जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था कि कंपनीज कैटेगराइज्ड है मिड लेवल और बिग लेवल पे. जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी के स्ट्रेंथ के हिसाब से भी आपकी सैलरी मैटर करती है. तो जो 4 ब्रॉड कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी कि इंडिया में चलती है गेमिंग इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए, उनमें से कोई भी कैटेगरी, कोई भी डोमेन आप चूज करो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट, आपकी स्टार्टिंग सैलरी की रेंज विल ऑलवेज बी समवेयर बिटवीन 15,000 to 20,000, 22,000 max. ये मैं मिड लेवल कंपनीज की बात कर रहा हूँ. 15,000 से लेके 22,000 तक आप अपना फर्स्ट जॉब सिक्योर कर सकते हो किसी भी गेमिंग कंपनी में इंडिया में. ऑन द अदर हैंड, अगर आप बड़े कंपनीज में जाके अप्लाई कर रहे हो, उनको अप्रोच कर रहे हो, उनके इंटरव्यूज क्रैक कर रहे हो, तो शायद हो सकता है आपको जो आपकी फर्स्ट जॉब हो वो अराउंड 20,000 से लेके 35,000 तक, ये रेंज है जहाँ पे आप जो आपको सैलरी है वो मिल सकती है. एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट. ये एंट्री पॉइंट्स दोनों कंपनीज के अलग अलग, दोनों कैटेगरीज के अलग अलग है, बिकॉज जो मिड लेवल कंपनीज है वो बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर टीम स्ट्रेंथ एंड द बजट ऑब्वियसली वो इतना स्पेंड नहीं कर सकते. इंडिया में बहुत ज्यादा लोग भी है जो स्किलफुल है, जिनके पास अप्रोप्रिएट जॉब्स नहीं है स्पेसिफिकली इस इंडस्ट्री में, जिनको आना है डेस्परेटली, जो पैशनेट है, ऑब्वियसली कोई ना कोई रिप्लेसमेंट जरूर मिल जाता है. बट इफ इट्स अ बिग कंपनी एंड दे थिंक यू आर वेरी वेरी गुड इन योर वर्क, और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से या फिर आपके रिज्यूमे या फिर आपने जिस तरीके से इंटरव्यू क्रैक किया है, तो वो डेफिनेटली आपको जो भी आपकी स्किल है उसके हिसाब से हायर कर लेंगे. बट स्टार्टिंग पॉइंट्स ये दोनों आप ध्यान में रखिए. अब एक बार आपने एंट्री ले ली किसी भी डोमेन में, किसी भी कंपनी में आपने एंट्री ले ली, तो उसके बाद जो ग्रोथ होती है वो स्टैंडर्ड होती है, वो उसी तरीके से होती है जो किसी भी आईटी फर्म में हो सकती है. यूजुअली एक कंपनी में हाइक हमेशा ईयरली होती है, 12 मंथ्स के बाद ही आपकी हाइक होती है. आपके परफॉर्मेंस के बेस्ड जो भी परसेंटेज उनको एक्यूरेट लगता है उसके हिसाब से आपकी हाइक होती है. इट्स समवेयर बिटवीन 20 to 50%, उससे भी ज़्यादा कई कंपनीज कर देते हैं. ये लैडर जो होता है वो हर कंपनी का सिमिलर होता है, अगर आप गेमिंग में हो तो सेम ही है जैसे आईटी में होता है. सो इट डजंट मैटर कि आप आईटी इंडस्ट्री में हो या फिर गेमिंग में हो, आपका जो ग्रोथ लैडर है वो इसी तरीके से होने वाला है. एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी कंपनीज जो इंडिया में है, एक्स्ट्रा चीजें होती है एक सैलरी स्ट्रक्चर में, वो प्रोवाइड नहीं करती, जैसे पीएफ होता है, लीव्स होते हैं, ये सारी चीजें ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है अभी तक. मिड लेवल जो कंपनीज है वो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करती. प्रोबेबली बहुत अच्छे कंपनीज भी है जो मिड लेवल है, जो डायरेक्टली ऑन हैंड सैलरी पे भी काम करते हैं. अगर आप की रिक्वायरमेंट वो है कि आपके लिए जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, जो बोनसेस है, वो भी आपको मैटर करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मिड लेवल या फिर छोटी कंपनीज में ट्राई ना करें, बल्कि एक बड़े कंपनी में अप्लाई करें, बिकॉज वहाँ पे सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है.
सो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक सिंपल लैडर बताता हूँ। ये चारों डोमेन का सिमिलर है, चारों डोमेन्स के लैडर्स अपने अपने हिसाब से। पर एक बेसिक एग्जांपल देने के लिए, अगर आप डिज़ाइनर, गेम डिज़ाइनर हो, तो आप सीनियर गेम डिज़ाइनर, असिस्टेंट गेम प्रोड्यूसर, सीनियर गेम प्रोड्यूसर, फिर आप पब्लिशिंग साइड में जाके CXO लेवल पे पहुंच सकते हो। तो आप देखिए कि लैडर में कितने पोजीशंस है, हर एक पोजीशन को क्लाइम करके मैनेजमेंट लेवल तक पहुंच सकते हो, तो आपके लिए ग्रोथ पोटेंशियल कितनी है। आप एक कंपनी में अगर स्टक रहे तो आपको एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो उस कंपनी में। आप अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बने उस कंपनी के लिए, तो आपको डेफिनेटली मैनेजमेंट लेवल पे पहुंचाया जा सकता है। सिमिलरली गेम आर्टिस्ट हो तो भी आप क्रिएटिव डायरेक्टर तक जाके उसके ऊपर मैनेजमेंट लेवल तक पहुंच सकते हो, CXO लेवल तक पहुंच सकते हो। अगर आप प्रोग्रामर हो तो टेक लीड, टीम लीड, स्टूडियो हेड और फिर इवेंचुअली CTO। अगर आप टेस्टिंग में हो तो आप QA मैनेजर तक पहुंच सकते हो। तो अगर आप देख रहे हो कि चारों भी डोमेन्स में जितना एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हो और जितनी वैल्यू आप अपने आप की क्रिएट कर सकते हो उस कंपनी में, उतना ही आप ग्रो करेंगे पोजिशन वाइज और मनी वाइज भी। ये था ओवरऑल स्ट्रक्चर सैलरीज का। आपके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं कि इसकी लिमिट क्या है, मैं इस गेमिंग इंडस्ट्री में मैक्स कितने पैसे कमा सकता हूँ एज अ सैलरीड एम्प्लॉय। तो मेरा आंसर सिंपल है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना एक्सपीरियंस गेन करो, जितना आप वैल्यू क्रिएट करोगे, आप उतने बड़े लेवल पे पहुंच के इवेंचुअली ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो उस कंपनी का, तो आपको शायद इक्विटी भी मिल जाए कंपनी की, ESOPs मिल जाए, यानी आप कंपनी के शेयर होल्डर्स भी बन सकते हो। ये चीज़ें होती है बिकॉज ये इंडस्ट्री अभी नई है, बूमिंग है। जो स्किल्स है उसकी बहुत ज़्यादा कदर की जाती है। कंपनीज लोगों को यूं ही जाने नहीं देती, दे वॉन्ट पीपल टू स्टिक विद देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मैं जाते जाते सिर्फ इतना ही आपको बताऊंगा कि दोनों तरीके के, दोनों कैटेगरीज के कंपनीज में काम करके आपको बेनिफिट ही होने वाला है। अगर आप स्मार्टली आइडेंटिफाई कर पाओ एक कंपनी और उसकी ग्रोथ पोटेंशियल, उसका स्कोप, उसके फ्यूचर प्लान्स, और उस हिसाब से आप उस कंपनी में एंट्री करके स्टक रहे उस कंपनी में, तो आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। मेरे हिसाब से छोटी कंपनीज में अगर आप एंट्री करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा है, बिकॉज छोटे कंपनीज में जो फाउंडर्स है, जो स्टूडियो हेड्स है, वो लोग जिन लोगों को ले रहे हैं, वो इस एक्सपेक्टेशन से ले रहे हैं कि वो उनके साथ बहुत लॉन्ग टर्म स्टक रहे। इसका रीज़न ये है कि दे आर वर्किंग ऑन बिगर प्रोजेक्ट्स, ऑन लॉन्गर प्रोजेक्ट्स, एंड दे वॉन्ट पीपल टू स्टिक विद देम थ्रू आउट द डेवलपमेंट फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ये जो छोटी कंपनीज है वो फाइट कर रही है एक एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर। बड़ी कंपनीज के पास मल्टीपल एवेन्यूज है, मल्टीपल चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो लोग काम करके पैसा कमा रहे हैं। छोटी कंपनीज बहुत बड़े रिस्क के साथ सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रही है, तो वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को ले जो हम्बल हो और जो पैशनेट हो और जो यू नो टीम प्लेयर्स हो और ज़्यादा भरोसेमंद हो। इस तरीके के कंपनीज में काम करने से फ़ायदा जो मुझे ऐसा लगता है वो ये है कि ये जो ईयरली स्ट्रक्चर ऑफ हाइक जो होता है जो बड़ी कंपनीज में होता है, वो यहाँ पे नहीं होता। अगर आपकी पोटेंशियल दिख जाए छोटी कंपनीज़ में, तो आप बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी ग्रो कर पाओगे। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई होप ये वीडियो यूज़फुल लगा हो आपको। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दो। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और इसे शेयर ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपको और एक यूज़फुल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए गुड बाय। I'm the one who's got the power.